हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ही लूना के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर कहता है, हे तुम दोनों रूम से बाहर निकलो अभी के अभी। उन दोनों को थोड़ी देर और रेस्ट करने दो। यूनो कहता है, दोनों साथ में कितना क्यूट लग रहा है ना? दोनों को साथ में थोड़ी देर और आराम करने दो। जॉब कहता है, दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनोसेंट एंजल को किसी डेविल ने अपने बाहों में भर कर रखा है। यूनो फिर से कहता है, होबी हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? कुकी को उठाओ, तुम्हें तेई पसंद नहीं है ना? डॉक्टर जय यंग कहता है, वेट ऐसा मत करो, दोनों कितना प्यारे लग रहे हैं। जब कहता है, डॉक्टर आप इस डेविल के साथ हमारे एंजल बेबी को जोड़ने की बात ना करें तो ही अच्छा है, ये हमारे कुकी के लिए सही नहीं है। डॉक्टर कहता है, मुझे कहीं से जलन की स्मेल आ रहा है। यूनो जे होप, कहीं ये तुम दोनों में से तो नहीं आ रहा है ना? अगर तुम दोनों को भी हक चाहिए तो मैं तुम दोनों को हक कर सकता हूँ। तभी तैयंग धीरे धीरे आँखों को खोलने लगता है। तंग आइज ओपन कर कमरे के अंदर जे होप यूनो और डॉक्टर को देख कर शॉक हो जाता है। तंग तीनों को लड़ते हुए देखकर कहता है, तुम तीनों थोड़ा शांत नहीं रह सकते? कमरे के अंदर आकर क्यों लड़ रहे हो? तभी यूनो आगे आकर कहता है, क्या हमने तुम्हें जगा दिया है? माफ़ करना इसके लिए, ठीक है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी तक मेरे बेबी के साथ चिपके हुए हो? हाँ क्यों हो? दूर हटो मेरे बेबी से। ओह अब मैं समझा, डॉक्टर के वजह से तुम्हें कुकी से चिपकने का मौका मिल गया है ना? तुम मेरे भाई के कंपनी का मजा ले रहे हो है ना? बदमाश, छोड़ो उसे। तैयंग यूनो को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और कुकी के तरफ देखता है जो अभी भी शांति से उसके छाती में सिर रख कर सोया हुआ है। चंकुक अब थोड़ा हिलने लगा था। तैयंग बस बिना पल के झपकाए स्लीपिंग कुकी के चेहरे को ही देख रहा था। जंकुक एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता आंखें मलते हुए आंख खोल लेता है। आइस ओपन कर जंकुक तैयंग के छाती से चेहरा ऊपर उठाकर तैयंग के तरफ देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद जंकुक जब सामने के तरफ देखता है, जंकुक यूनो जेहुप और डॉक्टर को कमरे के अंदर और उनके आंखें उन दोनों के ऊपर देखकर शर्म से लाल हो जाता है। जंकुक कहता है, तुम सब भी यहाँ हो? जंकुक अभी भी नींद में ही था। अचानक यूनो सामने आ जाता है और जंकुक के कलाई पकड़कर उसे तैयंग से अलग कर उसे बेड पर बिठाकर एक के बाद एक सवाल करने लगता है। जंकुक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अभी भी बहुत आराम करने की ज़रूरत है। क्या तुम्हें भूख लगी है या फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? क्या तुम्हारा गला तो नहीं सूख रहा है ना? क्या तुम पानी पीना चाहते हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? शायद तुम अभी मॉम को मिस कर रहे हो है ना? या फिर तुम अभी घर जाना चाहते हो? कुकी टेल मी, तुम क्या चाहते हो? जंकुक को यूनो की सेंटेंस सुनाई नहीं दे रहा था। जंकुक मन ही मन सोच रहा था, काश मैं तुमसे पहले आँख खोलता, तब मैं शायद तुम्हें सोते हुए देख पाता। तुम्हारे स्लीपिंग फेस को देखना मैंने मिस कर दिया है। फिर यूनो की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, डोंट वरी यूनो, मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो मेरे लिए। उसके बाद जंकुक अपने बैंडेज किए हुए जख्मों पर हाथ फिराने लगता है, लेकिन अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। आई थिंक ये बहुत धीरे धीरे हील हो रहा है। तैयंग कहता है, वेट मैं फिर से अपने जबान से इसे हील करने में हेल्प करता हूँ। अचानक तैयंग के गंदे स्टेटमेंट से सब लोग सदमे में चला जाता है। उनके आंखें वाइडन हो जाता है और थोड़ी नीचे की तरफ झुक जाता है। वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट या फिर वर्ड सुनकर शॉक्ड नहीं है, बल्कि जिसने ये वर्ड बोला है उसके मुंह से इस तरह के वर्ड सुनकर सब सदमे में है। सब लोग तैयंग के तरफ ही देख रहा था। तैयंग के हाथ जंकुक के सॉफ्ट फेस को होल्ड करके रखा था और उसके उंगली सॉफ्टली जंकुक के चीक्स को सहला रहा था। जंकुक पूरी तरह से जम चुका था और वो अपने बिग डोई आइज से तैयंग के हैंडसम चेहरे को ही देख रहा था। जब चिल्लाकर कहता है,
व्हाट किम तयंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? तुमने एक कैसे सोच लिया कि तुम उसे अपने जबान से ए करोगे? तयंग अपने हेयर्स को एक हाथ से फ्लिप करते हुए जेहुब के तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, हमने एक बार ऐसा किया था, सब एक साथ चीखता है। क्या? तयंग के वर्ड सुनकर सबके दिमाग में गंदे गंदे थॉट आने लगता है, जितना गंदा हो सके उतना गंदा। इसका मतलब उसने नहीं, यूनो कहता है, यू मॉन्स्टर, तुमने हमारे बेबी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे किया? जेहुब को लगा जोंगकुक इसे मना करेगा, इसलिए उसके तरफ देखने लगता है। जोंगकुक जो शर्म से लाल हो गया था और वो पूरा समय बस चेहरे को नीचे की तरफ झुकाए हुए था। जेहुब कहता है, जोंगकुक तुम्हें कुछ नहीं कहना है? जोंगकुक धीरे से कहता है, हाँ ह्योंग, ये सच है, हमने एक बार ऐसा किया था। यूनो शाउट करता है, जोंगकुक हाउ डेयर यू? डॉक्टर कहता है, काम डाउन गाइस, तयंग उसका मेट है। जोंगकुक कहता है, यूनो तुम्हें मेरा नेकलेस मिला है या नहीं? जेहुब कहता है, नेकलेस तो मिल गया है बट। जोंगकुक कहता है, मैं आपसे कॉलेज नहीं जाऊँगा, सबको मेरे ओमेगा होने के बारे में पता चल गया होगा, है ना? तयंग कहता है, सो व्हाट, ओमेगा होना कोई गुना नहीं है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जोंगकुक कहता है, क्या मॉम डैड को पता है मैं यहाँ हूँ? यूनो कहता है, नहीं अब तक कुछ भी नहीं पता है। दूसरे तरफ जिमिन और योंगी कोर्ट में आकर शादी कर लेता है। कोर्ट से बाहर आकर योंगी जिमिन को अपने बाहों में खींच कर कहता है, बेबी तुम अपसेट हो? जिमिन कहता है, नो। योंगी कहता है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बेबी अपसेट है? जिमिन कहता है, मॉम और डैड को कैसे बताना है इस बारे में सोच रहा था। योंगी कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिमिन योंगी के साथ मेंशन वापस आ जाता है। योंगी और जिमिन हाथ पकड़कर लिविंग रूम के अंदर एंटर करता है। लिविंग रूम में पहले से ही मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क बैठकर कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। जिमिन को योंगी के साथ देखकर दोनों आईब्राउज रेज कर लेता है। जिमिन कहता है, मॉम ए है मिन योंगी और मैं योंगी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मिस्टर पार्क कहता है, हाँ ठीक है आगे बोलो। जिमिन कहता है, डैड आई एम सो सॉरी। मिसेस पार्क कहती हैं, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप शांत क्यों हो, स्पीक अप। मिस्टर पार्क कहता है, तुम दोनों ने शादी कर लिया है यही कहना चाहते हो ना? योंगी और जिमिन दोनों ही शॉक्ड होकर एक दूसरे के तरफ देखने लगता है। जिमिन कहता है, सॉरी डैड। सॉरी मॉम, मिसेस पार्क कहती हैं, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो बेबी, अच्छा काम किया है तुमने शादी करके। जिमिन कहता है, क्या सच में? मिस्टर पार्क कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें तुम्हारा मेट मिल गया है। जिमिन कहता है, मुझे लगा आप दोनों मुझ पर गुस्सा करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस पार्क कहता है, नहीं हम गुस्सा नहीं करेंगे। जिमिन ऐसे भी, हम अब ज़्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह सकते, जल्द ही मुझे वार में जाना होगा और तुम्हारे मॉम भी मेरे साथ जाने वाला है। हम दोनों तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे लेकिन अब नहीं, अब बिना किसी चिंता के यहाँ से जा पाऊँगा अब नेक्स्ट डे। योंगी कहता है, बेबी आज शाम हमें एक पार्टी में जाना है। जिमिन कहता है, किस तरह के पार्टी? योंगी कहता है, माई फादर फ्रेंड सन इज गेटिंग मैरिड टू नाइट। जिमिन कहता है, क्या वह गर्ल्स भी होंगे और क्या वो वहाँ शराब होगा? नहीं शुगा, मैं नहीं जाना चाहता। योंगी कहता है, आई डोंट नो, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो और तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जिमिन कहता है, नहीं नहीं है तुम पर भरोसा, तुम हमेशा ओमेगास के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, सभी गर्ल्स तुम्हें योंगी मैरी मी कहता है, हु इज़ आई डोंट लाइक इट। योंगी स्मार्क करके कहता है, ओ सम वन इज़ जेलस, हाँ ओके, अब जब हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो घर में कुछ फंड करना चाहिए। जिमिन कहता है, क्या? योंगी स्माइल करके कहता है, बेबी आई लाइक योर प्रीटी लिप्स एंड और गुलाबी वो क्या है जबान, और मुझे कुछ याद आ रहा है, रुको तुम्हारे मुंह। और फिर जिमिन योंगी के इरादों को समझ जाता है
और उसे पीछे की तरफ धक्का देकर कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन योंगी उसे पाकर कर बिस्तर पर फेंक देता है। उसके बाद योंगी अपने कपड़ों को उतार कर उसके ऊपर आकर चढ़ जाता है। मीनवाइल जोंगकुक, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, जोंगकुक कहता है। तेई, क्या हो गया है तुम्हें अचानक? आई रियली लव यू एंड यू लव मी टू, आई नो, तैयंग कहता है। ओके, मैं समझ गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इफ़ यू लव मी देन स्टे अवे फ्रॉम मी, आई एम नॉट गे, आई एम स्ट्रेट, जोंगकुक कहता है। ते प्लीज़ डोंट डू दिस ना, प्लीज़ मुझे बस एक मौका दो खुद को प्रूव करने का। ट्रस्ट मी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, ये कहकर जोंगकुक ते को टच करने जाता है। तैयंग उसे दूर धकेल देता है, जिससे जोंगकुक ग्राउंड पर जाकर गिर जाता है। तैयंग कहता है, जोंगकुक मुझे बार बार एक ही बात कहकर डिस्टर्ब मत करो, मेरे पीछे पीछे घूमकर इरिटेट करना बंद करो मुझे, और मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जोंगकुक कहता है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तैयंग कहता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, मैं हमेशा तुमसे नफरत करूँगा, ये कहकर जोंगकुक को रोता हुआ छोड़कर तैयंग वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक कहता है, ओके अगर तुम मुझे अपने करीब नहीं देखना चाहते हो तो आपसे मैं भी तुम्हारा केयर नहीं करूँगा। तैयंग घर आकर बैडली क्राई करने लगता है और फ़ोन पर योंगी को सब कुछ बताने लगता है। आई डोंट नो उसने मेरे साथ चीट क्यों किया है, उसका पहले से ही एक गर्लफ्रेंड था, मैं आज उसे कॉलेज में सबके सामने प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी मैंने उसे उस गर्ल के साथ हाथ पकड़ कर कॉलेज से बाहर जाते हुए देखा। जोंगकुक ने ऐसा क्यों किया योंगी, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, योंगी कहता है। तेई, आई थिंक तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जोंगकुक के साथ वो लड़की उसका काजिन थी, तैयंग कहता है। क्या, योंगी कहता है, तुमने उसे गलत समझा है, तैयंग आंसू वाइप कर तुरंत घर से निकलता है। जोंगकुक बेड पर लेटकर रो रहा है, अचानक विंडो से आवाज़ आते सुनकर जोंगकुक फेस ऊपर कर तैयंग को विंडो के पास देखकर शॉक हो जाता है। जोंगकुक उठकर बैठ जाता है। तेई, तुम यहाँ, तैयंग कहता है। आई एम सॉरी कुकी, तुम्हारे साथ इतना रूड होने के लिए आई एम सॉरी, जोंगकुक कहता है। तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, तैयंग कहता है। आई एम सो सॉरी बेबी बॉय, मुझे लगा वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, जोंगकुक कहता है। कौन सी गर्लफ्रेंड, ओ गर्लफ्रेंड वो मेरे, तैयंग तुम, तैयंग कहता है। आई नो बेबी, आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, आई लव यू कुकी, जोंगकुक हिचकी लेते हुए कहता है। तुमने कहा तुम गे नहीं हो, तैयंग उसे शांत करने के लिए उसे कसकर गले लगाकर उसके होठों को अपने होठों से पकड़ कर किस करने लगता है। धीरे धीरे जोंगकुक जब शांत हो जाता है, तैयंग कहता है, बेबी आई लव यू, डू यू लव मी, जोंगकुक कहता है। यस आई लव यू टू, तैयंग कहता है। देन लेट्स मैरी, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, विल यू मैरी मी कुकी, जोंगकुक तैयंग के होठों के ऊपर किस करके कहता है। यस आई विल, और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।